ये 1688 की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े सगीर में कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। हिंदुस्तान में रोजगार के लिए आने वाले बरतानवी, पुर्तगाली और दीगर यूरोपियन कौमों की यलगार थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में हजारों की तादाद में गोरे फौजी मौजूद थे। इसी असना में कंपनी के डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि मगरबी लोग मकामी खवातीन से शादी कर सकते हैं। फैसला गैर मामूली हैसियत का हामिल था। डायरेक्टर्स को भी अंदाजा नहीं था कि अगले 100 या 200 साल बाद इनके अमली असरात क्या होंगे। इजाजत मिलने के बाद ला तादाद अंग्रेज मुलाजमीन ने बड़े सगीर में शादियां करनी शुरू कर दी। इस समाजी इख्तलात से एक नई नस्ल वजूद में आई जो एंग्लो इंडियंस कहलाते थे। ये लोग हकीकत में तो बड़े सगीर में रहते थे मगर फिक्री तौर पर बरतानिया से मुंसलिक थे। तकसीम हिंद के वक्त मोहतात अंदाजे के हिसाब से इनकी आबादी 30 लाख के करीब थी। पाकिस्तान में भी हजारों की तादाद में मौजूद थे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ शहरों तक महदूद थे। एंग्लो इंडियंस हद दर्जा दिलचस्प लोग थे। इनके मुहावरे, रोजमर्रा की जबान, उठने बैठने के तरीके, रहन सहन, तमाम का तमाम बरतानवी और मकामी रवायात का एक मुनफरद संगम था। रेलवे, डाकखाना, कस्टम, नर्सिंग, कानकनी और दीगर शोबों में भी कसीर तादाद में मौजूद थे। चंद महकमे जैसे रेलवे तो ऐसे थे जो अमली तौर पर एंग्लो इंडियन ही कहलाते थे। मेडिकल और नर्सिंग के शोबे में भी यही हाल था। डिसोजा, गोन सर्विस, सिल्वा जैसे नाम बिल्कुल आम थे। इन लोगों ने तिजारत के शोबे में भी बहुत अहमियत हासिल कर ली थी। प्राइवेट सेक्टरी, दफातर के मैनेजर और इसी तरह के शोबों में इनकी कारकर्दगी बेमिसाल थी। लाहौर में इंडस होटल के करीब में जिंदगी से भरपूर इन लोगों की आबादी थी। इसी तरह रेलवे स्टेशन के नज़दीक भी एंग्लो इंडियंस की कसीर तादाद में मौजूद थे। कराची में एलनी स्ट्रीट इन्हीं की नुमाइंदगी करती है। ये बहुत ज़्यादा मतमूल लोग नहीं थे, सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी समाजी रवायत मकामी आबादी से हद दर्जा मुख्तलिफ थी। बरतानवी जिंदगी के मुताबिक रक्स, मौसीकी और खुश रहना इनके खमीर में शामिल था। ये बात नहीं थी कि ये मकामी लोगों से दूर रहते थे, बिल्कुल नहीं। इनके घरों में आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहता था। ये खुश रहने वाले और खुश रखने वाले अफराद थे। हद दर्जा साफ सुथरे और मेहमान नवाज नस्ल थे। इनकी तर्ज गुफ्तगु भी हद दर्जा दिलचस्प थी। लंदन का सीगा हर वक्त इस्तेमाल करते थे। अगर आप इनसे पूछें तो ये लाहौर का वक्त बताने के बाद जरूर कहते थे कि लंदन में भी क्या वक्त होगा। इनकी वाजिया अक्सरियत ने बरतानिया कभी नहीं देखा था मगर अक्सर इस तराए लंदन से मुंसलिक थे। अगर लाहौर की बेकरी से डबल रोटी खरीदी तो ये जरूर कहते थे कि बैक होम, यानी लंदन में डबल रोटी किस तरह की होती है। बैक होम इनकी जबान पर इस तरह चढ़ा हुआ था कि जैसे ये सारी जिंदगी बरतानिया में गुजार कर सिर्फ चंद घंटे पहले यहाँ पहुँचे हैं, मगर असल में ये कभी भी वहाँ नहीं गए थे। इनका लहजा भी हद दर्जा मुनफरिद था। अंग्रेजी और उर्दू का अजीब व गरीब मलगूबा। अगर कोई एंग्लो इंडियन दोस्त के घर जाना चाहता था तो ये कहता था कि तुम कितने बजे हमारे घर आना मांगता। खाने के बाद ये भी फरमाते थे कि तुम कब खाना खाना मांगता। रंग बिरंगे फिक्रे महफिलों की जान होते थे। कोई इन्हें बुरा नहीं समझता था। लाहौर में एक एंग्लो इंडियन ट्रैफिक इंस्पेक्टर दहाइयों तक माल रोड पर नजर आता रहा। रेलवे स्टेशन लाहौर के नज़दीक इन लोगों का समाजी क्लब भी मौजूद था। इसमें पढ़े लिखे मकामी लाहौरी भी खूब नजर आते थे। ये नस्ल दरअसल पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जिंदगी और रंग की भरपूर अलामत थी। कमाल अमर ये भी है कि इनकी अक्सरियत आला तालीम याफ्ता थी। ख्वानदगी तकरीबन 90% के करीब थी। खवातीन में तालीम हासिल करने का रुझान मर्दों से भी ज्यादा था। पुख्ता उम्र के चंद लोगों को शायद याद हो कि मरी के सिम होटल में एक बहुत बड़ा डांसिंग फ्लोर था। वीकेंड्स, क्रिसमस और नए साल के मौके पर वहाँ शानदार तकरीबात मुनक्कद की जाती थीं। लाहौर में बड़े होटलों में गैर मुल्की ताइफे मौजूद रहते थे। शाम को माल रोड और मुल्हिका सड़कें रंगों नूर की बारिश में नहाती होती थीं। 1977 के इलेक्शन के बाद मजहबी और दीगर जमातों के इलहाक ने भुट्टो को मजबूर कर दिया कि नाइट क्लब और ममनुआ चीज़ों पर पाबंदी लगा दे। तारीख का जुल्म ये भी है कि जुल्फकार अली भुट्टो की अपनी लगाई हुई पाबंदियों से भी कोई सरोकार नहीं था। जब इनसे इस मामले पर पूछा गया तो जवाब था कि ये तमाम पाबंदियां थोड़ी मुद्दत के लिए हैं, ये मुस्तकिल नहीं। मगर इसके बाद के वाक़यात हमारे मुरब्बी जनाब जियाउल हक साहब आए और उन्होंने पूरे माशरे की सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर दी। तनकीदी निगाह से देखा जाए तो जियाउल हक का ये तमाम काम अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए था। मजहबी फिरका परस्ती, जज्बातियत, तंग नजरी और शिद्दत पसंदी को हुकूमती सतह पर सरपरस्ती हासिल हो गई। हमारे मौशे का हाल तो खैर अबतर ही हो गया मगर एंग्लो इंडियन आबादी बिल्कुल मुकीद सी होकर रह गई।
आज़ादी इनके हर खुलिए में रची बसी हुई थी। इनकी समाजी तहकीर शुरू कर दी गई, नतीजा वही हुआ, ये तमाम नस्ल शदीद अदम तहफ़ का शिकार हो गई। ये बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से हिजरत करके मगरबी ममालिक में मुंतकिल होना शुरू हो गए। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कैनेडा इनके नए मस्कन ठहरे। बड़ी सरक से लाहौर, कराची और दीगर बड़े शहर इनसे खाली हो गए। एक या दो दहाइयों में हमारे शहरों में इनका वजूद खत्म हो गया, मगर साथ ही साथ ये नस्ल रौनक बाजार भी साथ ले गई। तवील अरसा से कम अज कम लाहौर में तालिब इलम को एंग्लो इंडियन नजर नहीं आए। बिल्कुल यही हाल पारसियों का भी है, वो भी बड़े शहरों में मौजूद थे। पारसी भी जान बचा कर मगरबी ममालिक में मुंतकिल हो चुके हैं। शायद आपको यकीन ना आए, पाकिस्तान में 3 से 4 हजार यहूदी भी मौजूद थे, मगर अब इनमें से एक भी यहाँ मौजूद नहीं है। यहूदियों की इबादत का फ्री मेसन हॉल माल रोड के एन क्लब में वाकया है। वाबडा हाउस के बिल्कुल सामने ये आज भी शहर की बेहतरीन इमारत है। 30 बरस पहले वजीर आला का दफ्तर करार दे दिया गया है। ये बिल्डिंग अंदर से इस कदर खूबसूरत है कि अकल हैरान रह जाती है। 24 दरवाजे, लकड़ी के फर्श, शीशों की खिड़कियां इस कदर जाज़िबे नजर हैं कि तबीयत खुश हो जाती है। कोई भी ये जिक्र नहीं करता कि ये दरअसल यहूदियों की इबादतगाह थी। वैसे हमारा अकलियतों के साथ सलूक किसी सूरत भी काबिले फख्र नहीं रहा, मगर ये कहने से क्या होता है कि हम किसी और मजहब के पैरोकार को इज्जत और हिफाजत देने की इस्तेआत ही नहीं रखते। दुख होता है ये सब कुछ देखकर, मगर इससे हमारे गुनाहों की तलाफी नहीं हो सकती। एंग्लो इंडियंस लोगों की तरफ वापस आता हूँ। इनमें हैरत अंगेज सलाहियत के लोग शाद हुए हैं। रेडियार कपलिंग इन्हीं किरदारों में से एक जीता जागता इंसान था। लाहौर में किपलिंग 13 बरस क्याम पजीर रहा। लाहौर से एक अखबार निकलता था जिसका नाम सिविल एंड मिलिट्री गजट था। अखबार का दफ्तर माल रोड पर था। किपलिंग 13 बरस इससे मुंसलिक रहा। इसी अरसा में किपलिंग ने कहानियां भी लिखना शुरू कर दी। सख्त गर्मी में किपलिंग सूट उतार कर बुनियान और निकर पहन लेता और इसके कलम से वो शाहकार कहानियां लिखी जाती जो आज तक अमर हैं। इस लाहौरी एंग्लो इंडियन को 1907 में अदब का नोबल प्राइज मिला। बिल्कुल उसी तरह प्रिंस विलियम डेविक ऑफ कैम्ब्रिज भी वालिद की तरफ से इसी नस्ल से ताल्लुक रखता था। अजीम सलाहियत वाले लोगों की फहरिस्त में हद दर्जा तवील है। बरतानवी मौसीकी का बेताज बादशाह सर क्लिफ रिचर्ड भी एंग्लो इंडियन था। बेंस किंगले का नाम कौन नहीं जानता। हॉलीवुड का एक धमकता हुआ सितारा, लाजवाल फिल्मों में काम करने वाला भी एंग्लो इंडियन था। इसके वालिद रहमतुल्लाह भांजी मुसलमान थे और बरेसगीर में गुजरात से ताल्लुक रखते थे। बेन किंग्सले को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा इनाम यानी एकेडमिक अवार्ड भी मिला था। लॉरा जोन्स भी इसी कबीले से ताल्लुक रखती थी। मुट्ठी भर लोगों की इस नस्ल ने इतने बड़े बड़े लोग पैदा किए जिनका जिक्र सिर्फ एक वीडियो में नहीं हो सकता। किसी भी नस्ल का मुल्क से खत्म हो जाना कतन काबिले सिताइश अमर नहीं है। फिरका वारियत से मामूर हम लोगों की जिंदगी दूसरे फिरके को मुसलमान नहीं गिरानते तो ये बेचारे एंग्लो इंडियंस लोग तो हद दर्जा कमजोर लोग थे। इनकी इस माशरे में सांस लेने की जगह गैर हकीमाना तरीके से खत्म कर दी गई। फिर वही हुआ जो अजल से होता आ रहा है। एंग्लो इंडियंस पाकिस्तानी अपनी हिफाजत के लिए दियारे गैर में पनाह गुजीन हो गए। मुल्की फिजा से खुशबू और रंग भी शायद इन्हीं के साथ फजा में मादुम हो गया।